हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आरबी फंटासी 7। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड बास्केटबॉल वुमेंस का जो मैच है वाइजर वर्सेस गोल्ड रश के बीच में होने वाले मैचों के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। अगर ज्वाइन नहीं हो तो सर्च करना है @rbfantasy7, आपको टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है, सभी अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात, लाइनअप कैसे चेक करते हैं और क्या कुछ प्रोबेबल एलेवन होंगी और कहाँ पर आपको स्टार्टर मिलेंगे और कहाँ पर बेंच प्लेयर मिलेंगे, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या कुछ रहेंगे आज की मतलब ड्रीम एलेवन टीम, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप मतलब अभी मैच स्टार्ट होने में लगभग 2.5 घंटे बाकी है, 2-2.5 घंटे बाकी है, तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ग्रैंड लीग के लिए भी बहुत अच्छी टीम है क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट पहले यहाँ पर आपको बेंच प्लेयर और स्टार्टर मतलब स्क्वाड मिल जाता है और लास्ट के 10 मिनट में स्टार्टर मिल जाते हैं। तो लगभग यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वाइजर्स की तरफ से, ये 5 स्टार्टर होंगे, उसमें से यम फ्लेवल सबसे यहाँ पर बेहतरीन प्लेयर है वाइजर्स की तरफ से, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट यही देते हैं और सबसे मेन प्लेयर यही। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो डाइश ने लास्ट मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, उसी के साथ वही ने भी बहुत बढ़िया यहाँ पर पॉइंट दिए थे। तो वाइजर्स की तरफ से ये रहेंगे 5 स्टार्टर्स और गोल्ड रश की बात करें तो गोल्ड रश की तरफ से ये 5 स्टार्टर रहेंगे। तो उसमें जेड रिचर्स सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेयर है गोल्ड रिचर्स की तरफ से। अगर हम बात करेंगे दोनों टीम की परफॉर्मेंस, तो लास्ट मैच दोनों टीम भी हार कर आई है, दोनों टीम ने 1-1 मुकाबला खेला है अभी तक और दोनों टीम ने भी वो मैच लॉस किया हुआ है। तो पिछले मैच का क्या रहा था टीम का परफॉर्मेंस वो देखेंगे हम डिटेल में। तो वाइजर्स का लास्ट मुकाबला था ड्रीम्स के साथ और वाइजर्स वो मुकाबला लॉस हुई थी। तो वाइजर्स की तरफ से PUA ने 22 मिनट मिले थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस प्लेयर को कितना टाइम मिल रहा है और कितना यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं शॉट्स। तो PUA की बात करें तो अभी तक उन्होंने यहाँ पर चार शॉट अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 2 कलेक्ट किए थे 2 पॉइंट के लिए और 3 पॉइंट के लिए कोई शॉट अटेम्प्ट नहीं था और कोई कलेक्ट नहीं था। अगर बात करेंगे हम इनके ब्लॉक की तो ब्लॉक कोई नहीं, लेकिन स्टील 3 किए थे इन्होंने। तो स्टील के लिए एक ज़बरदस्त प्लेयर है, 3 पॉइंट मिलते हैं हर एक स्टील के लिए। और असिस्ट की बात करें तो 4 असिस्ट और 4 पॉइंट के साथ अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए दोनों के लिए अच्छे खासे प्लेयर है। और पर्याय की बात करें तो लास्ट मैच में 4.5 क्रेडिट की प्लेयर मिल जाती पर्याय, लेकिन लास्ट मैच में जो परफॉर्मेंस किया था बढ़िया टच में नज़र आई थी, इसलिए उनको टाइम भी ज़्यादा मिला था, लगभग 31 मिनट मिले थे, उसमें से 9 पॉइंट उन्होंने भी लिया थे। अगर हम अटेम्प्ट ऑफ शॉट की बात करें तो 10 शॉट अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 4 उनके ऑन टारगेट थे। और 3 पॉइंट की बात करें तो 3 पॉइंट में मतलब 2 शॉट अटेम्प्ट किए थे और 1 शॉट कलेक्ट किया था। अगर बात करेंगे हम रिबाउंड की तो 5 रिबाउंड और उसी के साथ 2 स्टील के साथ और 1 ब्लॉक के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस किया था पर्याय ने भी। अगर हम बात करेंगे विल्सन बेंच प्लेयर में से आएंगे, लास्ट मैच में कोई अच्छा खासा इनको मतलब टाइम नहीं मिला था, बस 3 ही मिनट दे रहे थे। तो विल्सन आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे डाइश और माइवलिंग की तो दोनों भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए दोनों भी। और विल्सन आप चाहे तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद पाइवई और हरवानिया, ये दोनों अगर हम इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात करें तो स्टार्टर के 3 और मिडिल के 2, तो ये प्लेयर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और लिंडन की बात करें तो लास्ट मैच में टाइम नहीं मिला था, लेकिन जितना टाइम मिला था उसमें अगर देखेंगे तो अटेम्प्ट ऑफ शॉट 7 और कलेक्ट किए थे 2 और उसी के साथ साथ यहाँ पर असिस्ट भी 3 थे 6 पॉइंट के साथ, यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा था। अगर इस प्लेयर को समय मिल जाता है तो ये बढ़िया प्लेयर हो सकती है ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए दोनों के लिए। ग्रैंड लीग में इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, लिंडन इन पर ध्यान रखना क्योंकि लास्ट के मैच में बहुत बढ़िया टच में थे लेकिन इनको टाइम नहीं दे पाई थी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 40 मिनट बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर यहाँ पर इनको 22 मिनट मिल जाते तो इससे अच्छा इनका परफॉर्मेंस होता। अगर हम बात करेंगे रिबाउंड की तो 2 रिबाउंड भी थे और अटेम्प्ट ऑफ 3 पॉइंट का कोई नहीं किया था इन्होंने और उसी के साथ साथ स्टील कोई नहीं और ब्लॉक भी कोई नहीं था। तो बस यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा अटेम्प्ट करती है, 2 पॉइंट की बात करें तो 2 पॉइंट ज़्यादा अटेम्प्ट करती है लिंडन और उसी के साथ साथ उनको लगभग 50 मिनट मिले थे। अगर 22 मिनट मिले तो अच्छी खासी प्लेयर हो सकती है। ये रहे वाइजर के इंपॉर्टेंट प्लेयर, मैंने आपको बता दिया। PUA इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीग के लिए, उसके बाद पर्याय विल्सन
विल्सन आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते, स्मॉल लीग में इनको बिल्कुल भी टीम में मत लेना, अवॉइड करना। और हिरवानी एक बढ़िया प्लेयर है, और डाइस और फ्लेवर दोनों भी एक टॉप परफॉर्मर से अपने वाइजर्स की टीम की तरफ से। और लिंडन ने लास्ट मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, इसलिए मैं यहाँ पर ये सिक्स प्लेयर यहाँ पर इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि लास्ट मैच में इनका परफॉर्मेंस बढ़िया था, टिप टॉप शॉट बढ़िया थे, और उसी के साथ साथ इन्होंने असिस्ट और ब्लॉक की भी यहाँ पर कैपेसिटी लास्ट मैच में इन्होंने दिखाई हुई इन छः प्लेयर ने। तो ये छः प्लेयर आपको स्मॉल लीग के कॉम्बिनेशन के लिए बढ़िया है। अगर हम बात करेंगे अदर टीम की, तो यहाँ पर वाइजर्स ने लास्ट मैच जो हारा था, तो अगर हम बात करेंगे इन दोनों टीम की, तो दोनों टीम के मुकाबले में वाइजर्स के स्टील्स और ब्लॉक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड रश। तो वाइजर ब्लॉक भी ज़्यादा करती है, स्टील भी ज़्यादा करती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर रिबाउंड भी अच्छे खासे करती है गोल्ड रश की कंपेयर के, इसीलिए यहाँ पर वाइजर्स मुझे यहाँ पर ज़्यादा फ्लेवर लग रही है विन के लिए, क्योंकि उनके पास फ्लेविल जो है ये बढ़िया वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और उसी के साथ साथ वाई भी एक बढ़िया प्लेयर है, और परई और एम डैश ने लास्ट मैच में दिखाया लो क्रेडिट के प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर जितना इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया वो बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही तगड़ा था। अगर हम बात करेंगे सेकंड टीम मतलब गोल्ड रश की, तो गोल्ड रश के जो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस रहा था उसके बारे में हम देखेंगे। तो गोल्ड रश की तरफ से ये रहे प्लेयर के टाइमिंग, इतना समय इनको प्लेयर को मिला था, उसमें जेड रिचर्डसन सबसे बढ़िया प्लेयर है, और उसी के साथ वालबुटन और केस्परप यहाँ पर लास्ट मैच में टाइम मिला था, लेकिन यहाँ पर अटेम्प्ट ऑफ शॉट बहुत ही कम है, और उसी के साथ साथ थ्री पॉइंट और मतलब यहाँ पर डिफेंस करती है केस्परप, और उसी के साथ साथ रिचर्डसन पॉइंट और थर्ड मतलब थ्री पॉइंट। और वालबुटन की बात करें तो हम वालबुटन यहाँ पर रिबाउंड बहुत ज़्यादा देती है, तो वालबुटन इस आपको मिल जाते कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस, और उसी के साथ जेल रिचर्डसन, तो ये दो प्लेयर को आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना, उसी के साथ टी सोपोगा, इनको भी आप बिल्कुल भी ग्रैंड लीग में मिस नहीं करना। सेलिमेंट में लास्ट मैच में कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन हम बात करेंगे ओनील्स की, इनको टाइम भी मतलब लगभग 20 मिनट मिला था, लेकिन लास्ट मैच में बस एक ही पॉइंट दे पाई थी। तो अटेम्प्ट ऑफ थ्री शॉट अगर हम इनके बात करें तो कुछ नहीं, मतलब थ्री अटेम्प्ट किए थे और एक भी कलेक्ट नहीं किया था उन्होंने। तो अगर बात करें केस्करम की, तो केस्करम को 27 मिनट मिले थे, लेकिन यहाँ पर एक ही असिस्ट और मतलब थ्री पॉइंट मतलब कलेक्ट किया मतलब अटेम्प्ट किए थे थ्री, लेकिन कलेक्ट एक भी नहीं हो पाया था। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो डिफेंस उन्होंने थे मतलब 7 रिबाउंड दिए थे, उसी के साथ स्टील 2 और ब्लॉक कोई नहीं, तो यहाँ से स्टील से बढ़िया मतलब पॉइंट दिए थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इनकी अटेम्प्ट ऑफ शॉट तो बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए रिस्की है केप्सक्रम। तो उसी के साथ यज ग्रे, इनको भी टाइम मिला था, लेकिन यहाँ पर कुछ बढ़िया ये भी कर नहीं पाई थी। अगर हम बात करेंगे इनके, तो यहाँ पर अटेम्प्ट ऑफ शॉट उनके 10 थे और उसमें से एक ही कलेक्ट कर पाए थे। तो ग्रैंड लीग के लिए यज ग्रे को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि इनका अटेम्प्ट ऑफ शॉट बहुत ज़्यादा है, और लगभग यहाँ पर लास्ट मैच में 10 अटेम्प्ट ऑफ शॉट हुए थे, लेकिन एक ही कलेक्ट हो पाया था। तो परसेंटेज देखेंगे हम इनका, तो यहाँ पर 10 में से एक ही कलेक्ट हुआ है, तो मतलब 10% ही है। लेकिन हम इनकी बात करेंगे यहाँ पर इनकी क्या जो स्ट्रेंथ है, तो वो है 3 पॉइंट की, लेकिन 3 पॉइंट भी इन्होंने लास्ट मैच में एक भी ट्राई नहीं किया था। तो एज ग्रे 2 पॉइंट और 3 पॉइंट यहाँ पर आपको बढ़िया यहाँ पर पॉइंट दे सकती है ग्रैंड लीग के लिए, तो यज ग्रे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ग्रैंड लीग के लिए। और उसी के साथ यहाँ पर वालबुटन स्मॉल लीग के लिए एक बेस्ट प्लेयर है, अगर हम लास्ट मैच की बात करें तो 30 अटेम्प्ट ऑफ शॉट थे और उसमें से 5 कलेक्ट किए थे, मतलब लगभग यहाँ पर 40% का इनका एवरेज है हर अटेम्प्ट ऑफ शॉट में, और 3 पॉइंट का एक एक अटेम्प्ट किया था लेकिन कलेक्ट कोई नहीं कर पाए थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने रिबाउंड दिए थे 30, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाल्टन की तरफ से, 10 पॉइंट यहाँ से रिबाउंड यहाँ पर 30। और बात करेंगे हम असिस्ट की, तो असिस्ट कोई नहीं था, और उसी के साथ साथ स्टील और ब्लॉक में भी अच्छे खासे यहाँ पर पॉइंट दे सकती है। तो वाल्टन यहाँ पर आपके लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसकी। उसी के साथ यहाँ पर रिचर्डसन, ये दो प्लेयर बिल्कुल भी मिस नहीं करना स्मॉल लीग के लिए, और ख़ास करके यहाँ पर ग्रैंड लीग में भी इनके साथ कैप्टन वाइस कैप्टन चले जाना। उसी के साथ सोपोंगा, इनको भी यहाँ पर स्मॉल लीग में पिक कर सकते हैं आप, क्योंकि इनका अगर देखेंगे हम लास्ट मैच में 0.8, उसी के साथ साथ असिस्ट 7, और इनका अगर हम बात करेंगे तो अटेम्प्ट शॉट 8 और एक मतलब
अटेम्प्ट ऑफ शॉट अगर देखेंगे तो 80 के अटेम्प्ट किए थे और उसमें से एक ही कलेक्ट किया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे 3 पॉइंट की, तो 3 पॉइंट में अगर इनका अटेम्प्ट ऑफ शॉट देखेंगे तो यहाँ पर 3 पॉइंट के इनका परसेंटेज है 25% और इन्होंने अटेम्प्ट किया था 4 और 1 कलेक्ट किया था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर असिस्ट और ब्लॉक में भी अच्छे खासे पॉइंट दिए थे, 2 ब्लॉक, 1 स्टील और उसी के साथ 5 रिबाउंड। तो टी सोपोंगा स्मॉल लीग के लिए बेटर है, सबके पास लगभग होने वाली है। उसी के साथ जेरिसन, बिग किस्प्री और वाल्टन। किस्प्री को यहाँ पर स्मॉल लीग में ड्रॉप करना, क्योंकि लास्ट मैच में अगर इनका परफॉर्मेंस देखे तो जिस पोजीशन पे खेल रही थी, तो मतलब यहाँ पर वो डिफेंस की पोजीशन में खेल रही थी। और वाल्टन और स्मॉन्गा और रिचर्डसन, उसी के साथ ओनिल्स और हैंडविल्टन्स, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको स्मॉल लीग के लिए मिल जाते हैं। तो इन प्लेयर को, बाकी के प्लेयर को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए इसकी अगर हम ड्रीम इलेवन टीम की बात करें, कुछ इस प्रकार की होने वाली मेरे ड्रीम इलेवन टीम। यहाँ पर लगभग मैंने सभी इंपॉर्टेंट और सेफ टीम यहाँ पर ड्रीम इलेवन के लिए दी है। तो अगर हम बात करेंगे एसपी और पीपी की, तो यहाँ पर आप रोटेट भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेवेल भी बढ़िया प्लेयर है और उसी के साथ साथ रिचर्डसन भी बढ़िया प्लेयर है और उनकी तरफ से खेलते हैं हरवानी। तो फ्लेवेल और हरवानी दोनों यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर इनके वाइजर्स की टीम की तरफ से देंगे। लेकिन जेड रिजर्सन यहाँ पर सिंगल लाइन रिडली खेलती है और यहाँ पर जिस पोजीशन पे ये खेलती है तो बहुत ही अटैकिंग पोजीशन में खेलती है, अटेम्प्ट ऑफ शॉट भी बहुत ज़्यादा लेती है और कलेक्ट भी अच्छे खासे करती है। तो हिरवानी और फ्लेविन, इन दोनों को आपको ग्रैंड लीग में यहाँ पर मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करना है। उसी के साथ जेड रिजर्सन को भी रोटेट करना है कैप्टन वाइस कैप्टन। और बुल्टन के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो बुल्टन का यहाँ पर जो अटेम्प्ट ऑफ शॉट है और जो असिस्ट का यहाँ पर इनके पास कैपेबिलिटी है, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बेस्ट पॉइंट यहाँ पर अगर ग्रैंड लीग में बात करेंगे तो बुल्टन और टी आरोवा यहाँ पर आपके लिए बेस्ट पॉइंट यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए क्या एसपी और पीपी यहाँ पर साबित हो सकते हैं। तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, अगर हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ी नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगी। और एक बात, आपको डिस्क्रिप्शन में अगर लाइनअप आपको चेक करनी है तो उसकी भी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना।